आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। नाली निर्माण कार्य बंद होने से आने जाने में हो रही परेशानी। पांसिबल नगर के जलगोन रोड के वार्ड क्रमांक 6 में निर्माणाधीन नाली का काम कई दिनों से बंद पड़ा है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि नाली के निर्माण कार्य रोकने से जहां यातायात बाधित होता है, यहां अव्यवस्था होने से युवकों के मोटरसाइकिल सहित गिर जाने की घटना भी हुई, जिसमें वो घायल भी हुए। वार्ड में एक आंगनवाड़ी भी है, जहां पर बच्चों को आने जाने में समस्या हो रही है। नाली का गड्ढा इतना बड़ा है कि उससे लांग कर भी नहीं जा सकते। कुछ दिनों पहले ही उक्त क्षेत्र में 4 मोटरसाइकिल चोरी हुई, इस कारण भी लोगों में अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने का भय बना है। वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि मंगल सामे शाह ने बताया कि दीपावली का त्योहार है और हमारा ये रास्ता पूरी तरह से अव्यवस्थित है। नगर पालिका द्वारा सफाई तो की गई, लेकिन गड्ढों की समस्या यथावत है। नाली निर्माण में देरी होने से जहां तहां पानी जमा हो रहा है। नगर परिषद सीएमओ से फोन और चर्चा की गई तो शिवजी आर्य ने बताया कि निर्माण कार्य पुराना है, जो वर्तमान में हमारे द्वारा पूर्ण किया जा रहा है। त्योहार होने से मजदूर छुट्टी पर है, 2 दिन बाद शुरू किया जाना है। रोड पर फैली रेत गिट्टी साफ कर रास्ता सुगम किया गया। लोगों से नगर विकास में सहयोग की अपेक्षा भी की गई। पांसिमल से सतीश केवट की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब आपका? मंगल सामेश। और ये निर्माण कार्य कब से चल रहा है आपके मोहल्ले में? 7-8 महीने से चालू है। 7-8 महीने हो गए। और क्या परेशानी हो रही है अभी? रोड में आवागमन में दिक्कत हो रही है, आने जाने में परेशानी हो रही है। और जो नालियाँ कूद के तैयार जहाँ ढकी है उनको, और दीपावली का कार्यक्रम चल रहा है और दीपावली में भी साफ सफाई नहीं हो पा रही है, धूल बहुत उड़ रही है और आने जाने में वार्ड वासियों को तकलीफ हो रही है। इस बारे में आपने किसी से बात की है नगर पालिका जाकर? नगर पालिका सीएमओ साहब से पहले बात कर चुके थे और अध्यक्ष जी से बात कर चुके थे। वो बोलते हैं कर रहे पर आज तक कोई काम नहीं हो रहा है। और ठेकेदार से बोलो तो आदमी नहीं आ रहे, मजदूर नहीं आ रहे, ये बोलते हैं और सभी जगह काम चालू है। ठीक है। नाम है आपका? शोभा सोनी। कौन से वार्ड नंबर में रहते हैं आप? 6 नंबर वार्ड में। क्या समस्या आ रही है जो नाली का निर्माण कार्य रुका हुआ है? एक महीने से नाली खोदी हुई है और बच्चों को आने जाने में, सभी को आने जाने में दिक्कत हो रही है। गाड़ियाँ उधर पार्क करनी पड़ रही, उसकी वजह से गाड़ियाँ घर तक नहीं आ रही, तो चोरियाँ भी हो रही है हमारे मोहल्ले में। 4 गाड़ी चोरी हो गई हैं और जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य करके और इसको जल्दी से व्यवस्थित करो, नहीं तो फिर हम आगे जाएंगे। कितने समय से रुका हुआ है कार्य? 1 महीना हो गया। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है।